बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ हिरा फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स मैनेजर यूरोप ऑफिस। तो आज मैं आई हुई हूँ पुर्तगाल, और पुर्तगाल में मैं अपनी फ्रेंड के पास आई थी विज़िट के लिए। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम पुर्तगाल पे एक वीडियो बनाएं। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्क वीज़ा पुर्तगाल का कैसे लिया जा सकता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और आपको कहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पुर्तगाल के वीज़ा की मैं बात करूं, तो पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री है, यूरोपियन रीजन में लाइक करती है। और आपको पता है कि जो शेंजन वीज़ा होता है वो कितना बेनिफिशियल होता है। आप तमाम के तमाम शेंजन कंट्रीज़ में उस वीज़ा पे घूम सकते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त पुर्तगाल आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। तो अगर हम वर्क परमिट की बात करें, तो वर्क परमिट कह लें या फिर जॉब सीकिंग वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, अगर आप जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली यू कैन अप्लाई। अगर इसकी फ़ीस की मैं बात करूँ तो वो 90 यूरो है इसकी जो फ़ीस है, एम्बेसी फ़ी। लेकिन अगेन ये फ़ी जो है ना डिफरेंट होती है हर डिफरेंट प्रोसेस के लिए, क्योंकि और बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती हैं। तो 90 यूरो इसकी फ़ी है। इसके अलावा जो आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलेगा, दैट विल बी ऑफ 120 डेज आपको ये वीज़ा मिलेगा। बट उसके बाद आप इसको मज़ीद 60 डेज तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जॉब ऑफ़र होना मस्ट है। आपके पास अगर जॉब ऑफ़र नहीं, तो आप उसके बगैर फिर ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपको वीज़ा अलॉट होगा वो वन टाइम होगा, मतलब आप उस पर सिर्फ वंस एंट्री कर सकते हो। जैसे मल्टीपल एंट्री और वन एंट्री वीज़ा होता है, तो ये वन एंट्री वीज़ा होगा। और अगर आप क्वालिफाइड डिग्री के लिए करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपके पास इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल, इस किस्म की फील्ड्स आ जाती हैं, और उसका तो रेशो और बहुत ज़्यादा है अगर आप इस किस्म की जॉब ऑफर्स के साथ इसके लिए अप्लाई करते हैं, दैट विल बी टोटली गुड। अच्छा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने क्या करना है? अगर आप अपना कोई बिज़नेस यहाँ पे आके स्प्रेड आउट करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली जो कि तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कंपनी के, आप वो सारे शो करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि ये मेरा बिज़नेस है और आपकी जो इनकम है वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे। प्लस आपकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ के पुर्तगीज़ जो भी इनकी एनुअल इनकम होती है एवरेज, उसके मुकाबले में 1.5 टाइम्स होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम जो आप उससे अपने बिजनेस से जनरेट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो भी सैलरी है इसकी इक्विवेलेंट अगर होगी, तो ही ये आपका जो है ना एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा पुर्तगाल में एक मज़े की बात ये भी है कि अगर कोई विज़िट वीज़ा पे आता है, लाइक एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वो आप अपना वीज़ा भी अगेन वहाँ के रेजिडेंस परमिट वाला जो वीज़ा होता है आप उसमें भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देता है पुर्तगाल आपको, आपको डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ड्यूली फिल्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको तरीके से फिल करके उसको आप साइन करेंगे। मेक श्योर करें कि कोई भी जो बॉक्स है वो खाली ना रहे। अगर आपको लगता है कि कोई बॉक्स आपकी कैटेगरी का नहीं है, तो उस पर नॉट एप्लीकेबल N/A लिखें, लेकिन उसको ज़रूर फिल आउट करें। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट अपना होना चाहिए, जिसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल करीब नहीं होनी चाहिए, वो इतना वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 से ज़्यादा मंथ्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल रिज्यूमे होनी चाहिए। रिज्यूमे एक तरह की CV होती है, ठीक है, कि आप इसमें अपना सारा एक्सपीरियंस और सब कुछ बताते हो, और इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती हैं, एड्रेस एंड एवरीथिंग। इसके अलावा आपका एक बहुत अच्छा सा प्रॉपरली रिटन एक कवर लेटर होना चाहिए, जिसमें आप अपना सारा जो है ना मकसद उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का। फिर अगर हम बात करें, तो आपके पास आती हैं पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, जिसकी डायमेंशंस अगेन उनकी अपनी वेबसाइट पे गिवन होती हैं कि आपको किस किस्म की पिक्चर्स खिंचवानी है। देन कम्स द बैंक स्टेटमेंट या इतने फंड्स होने चाहिए जिसमें आप ये बात प्रूफ कर सको कि आप अपना जो स्टे है पुर्तगाल में वो ईज़िली मैनेज कर लोगे 120 डेज़ के लिए, या अगर आप एक्सटेंड भी करते हो तो इतनी बैंक स्टेटमेंट या इतने फंड्स आपने वहाँ शो करवाने होते हैं। इसके अलावा आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होता है कि आप अगर पुर्तगाल जा रहे हैं तो आप कहाँ रहेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड की तरफ रह रहे हैं, तो आपने वो एक डिक्लेरेशन जमा करना होता है, जो कि इधर दो जो अपार्टमेंट है उस फ्रेंड का वो उसका अपना है, तो वो अलाउ कर रहा है कि आप उसके साथ रहेंगे। अगर उसका अपार्टमेंट रेंट का है, तो उसका जो भी ओनर है वो डिक्लेरेशन दे, या आप कोई होटल बुकिंग या कोई प्राइवेट जगह अपनी जो है ना रेंट आउट करते हो, और उसकी जो है ना एज अ प्रूफ लगाते हो अकोमोडेशन के लिए। इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है। अब अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, तो पाकिस्तान से आपका देखा जाएगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है क्या इस बंदे का।
इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं और आप वहीं से रह के आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपका फिर पुर्तगाल में भी चेक होगा पुलिस क्लियरेंस रिकॉर्ड, और अगर आप इवन पाकिस्तान में तब भी वो क्रॉस चेक तो ज़रूर करते हैं कि इस बंदे का रिकॉर्ड कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। अगर आप पुर्तगाल में रह के भी कर रहे हो तो आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी, आपका वीज़ा जो आप इससे पहले जिस वीज़ा पे थे तो क्या आपका वैलिड लीगल वीज़ा था या आप डंकी लगा के आ गए थे, तो मतलब ये आपकी स्टे लीगल होना चाहिए। अगर आप अप्लाई पुर्तगाल में कर रहे हैं, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान की प्लस आप किसी थर्ड कंट्री में हो, तब भी आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी और आपका पुलिस क्लियरेंस रिकॉर्ड वहाँ से भी निकलवाया जाएगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, अगर आप किसी जगह पे जॉब ऑफर ले रहे हो या आपने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह किए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी इसके साथ आपको लगाना है। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में हो या जिस तरह से मैंने आपको बताया वो सारे लीगल प्रोसेस इसमें होंगे। इसके अलावा अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या पुर्तगीज़ है वो ठीक है, मतलब इंग्लिश में अगर आप बात करते हो आपको पुर्तगीज़ नहीं आती है तो दैट्स टोटली फाइन। इसके अलावा आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे या तो इंग्लिश में होने चाहिए या पुर्तगीज़ लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इन दो लैंग्वेजेस के अलावा है तो आपको वो प्रॉपरली एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाना होगा, उसे नोटराइज करवाना होगा। इसमें आपकी कुछ पेमेंट भी लगेगी लेकिन ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा आप जॉब ऑफ़र कैसे ले सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपने जो है ना अप्लाई करना होगा, तो आपको ये जॉब ऑफ़र कैसे मिलेगी? जॉब ऑफ़र लेने के लिए आप पुर्तगीज़ लेबर अथॉरिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं या इसके अलावा आपके पास एक और है पुर्तगीज़ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज, तो ये वो दो प्लेसेज हैं, दो वेबसाइट्स हैं या दो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ आपके लिए अगर कोई बंदा भी अप्लाई कर रहा है, कोई कंसल्टेंट भी अप्लाई कर रहा है, तो इन दो प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए अप्लाई करते हैं। दिस इज़ हाउ यू गेट द प्रॉपर वर्क परमिट और आप कह सकते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा फॉर पुर्तगाल। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग आप हमें सीधा हमारे जो भी लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस या यूरोप ऑफिस के कंसल्टेंट्स को रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।